हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 17th ऑफ अप्रैल। सो लेट्स स्टार्ट और पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसको डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज रामकृष्ण मठ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125वां जो एनिवर्सरी है श्री रामकृष्ण मठ का उसको सेलिब्रेट किया है। कहाँ पे? चेन्नई में, ये लोकेटेड है तमिलनाडु में, ठीक है। रामकृष्ण मठ ये चेन्नई का है, तमिलनाडु का, और क्योंकि 125वां एनिवर्सरी है और खुद प्रधानमंत्री गए थे तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो रामकृष्ण मठ जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1897 में और ये दुनिया भर में नॉन पॉलिटिकल नॉन सेक्टेरियन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यानी कि ये किसी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा हुआ है या किसी एक धर्म को नहीं टारगेट करता है, सभी के लिए सेक्युलर है ये, और साथ साथ में ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब आपको एक विच हैज बीन एंगेज्ड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, साथ साथ में सोशल सर्विस एक्टिविटीज फॉर मोर देन अ सेंचुरी। और ये बेसिकली स्प्रेड करता है क्या कि पोटेंशियल डिविनिटी, ईश्वर के साथ एक आस्था आपको जोड़ने के लिए एवरी बीइंग और साथ साथ में हर कर्म और उसके सोच को लेकर के। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल ऑर्गेनाइजेशन है रामकृष्ण ऑर्डर का, जिसको हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स में भी माना गया है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो ये बेसिकली आप देखोगे रामकृष्ण मठ का और उसके ऑर्गेनाइजेशन रामकृष्ण मिशन का, तो ये बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो रामकृष्ण मठ और मिशन लीगली और फाइनेंशियली सेपरेट है, अलग अलग है लेकिन क्लोजली वो इंटर रिलेटेड है कई सारे तरीकों से, इसीलिए उनको ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है। और इसको मतलब रामकृष्ण परमहंस इनके नाम पे ये रखा गया है। तो इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था, कहाँ पर? कोलकाता के कमरपुकुर गांव में, ठीक है। तो ये कोलकाता से जुड़े हुए हैं और इनका जो बचपन का नाम था वो था गदाधर। इसके अलावा आप देखोगे तो ये 19th सेंचुरी के सेंट हैं। कई बार सवाल आता है तो ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है रामकृष्ण परमहंस जी का, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के सेंट हैं और ये फाउंडर भी हैं रामकृष्ण ऑर्डर ऑफ मंक्स का, और इनको माना जाता है स्पिरिचुअल फाउंडर रामकृष्ण मूवमेंट का। इनका एम्फेसिस किस पे है? रियलाइज करना एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज द सुप्रीम गोल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी कि जो ईश्वर का एग्जिस्टेंस है वो सभी लोगों के लिए एक सुप्रीम गोल भी है। और कहा गया है कि अलग अलग जो धर्म के लोग हैं वो महज एक तरीका है कि अपने मतलब ईश्वर तक वो पहुंच सके, मतलब इन शॉर्ट ये कि सबका मालिक तो एक ही है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये डिवोटी है गॉडेस काली का, तो ये भी सवाल आता है कि किस भगवान, तो गॉडेस काली कोलकाता आप वैसे भी रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा ये प्रीस्ट भी रहे हैं दक्षिणेश्वर काली टेम्पल वेस्ट बंगाल का, जो काफी फेमस भी है। नरेंद्र नाथ दत्ता यानी कि जिनको स्वामी विवेकानंद के नाम से भी हम जानते हैं, और ये मोस्ट डिवोटेड प्यूपिल रहे हैं रामकृष्ण परमहंस का, जिन्होंने कैरी किया था मैसेज ऑफ हिज गुरु रामकृष्ण ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली कहाँ पे? अमेरिका और यूरोप में। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, याद रखिएगा ये मंत्रालय पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दोनों का मंत्रालय यही संभालते हैं आरके सिंह, इन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है रिपोर्ट ऑफ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ये जो इंडेक्स है वो एक्सेस करता है एनुअल प्रोग्रेस राज्यों का और यूनियन टेरिटरीज का एनर्जी एफिशियंसी के इम्प्लीमेंटेशन में। इसको डेवलप किसने किया है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी जो BEE है, जो कि एक अपने आप में स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। तो डेवलप किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टैट्यूटरी बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसके साथ में? अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE के साथ में। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये एक अपडेटेड फ्रेमवर्क है 50 इंडिकेटर्स का, और इसके साथ साथ में आप देखोगे तो इसका जो फोकस है वो है डीकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स पे ध्यान देना और एक सस्टेनेबल फ्यूचर का डेवलपमेंट करना। प्रोग्राम जो है वो स्पेसिफिक इंडिकेटर्स को भी दर्शाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो है वो प्रोग्रेस भी ट्रैक करता है राज्यों का और भारत के एनर्जी फुटप्रिंट वगैरह का, जो डेटा कलेक्शन की भी बात करते हैं और क्रॉस स्टेट कोलैबोरेशन पे भी काम करते हैं। कर्नाटका आंध्र प्रदेश असम और चंडीगढ़ जो है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं रेस्पेक्टिव स्टेट ग्रुप्स में, ठीक है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है वो मोस्ट इंप्रूवमेंट भी दिखाए हैं लास्ट इंडेक्स में। तो आप देखोगे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में कर्नाटका है, ठीक है, और यहाँ पे टॉप इंप्रूवमेंट में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फ्रंट रनर जो कैटेगरी है इसमें 5 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरल है, राजस्थान है और तेलंगाना। तो ये फ्रंट रनर कैटेगरी में कौन टॉप पे है? तो आंध्र प्रदेश है। अचीवर कैटेगरी में असम है, आप मोटा मोटा देख सकते हैं। कंटेंडर कैटेगरी में चंडीगढ़ है, सारा आपको नहीं याद रखना है। रेस्ट जो स्टेट्स बचते हैं वो एस्पिरेंट कैटेगरी में है। मैक्सिमम स्कोर जो है वो 100 दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। चीफ मिनिस्टर जो है के चंद्रशेखर राव वन, उन्होंने अनवील किया है BR अंबेडकर का 125 फीट का स्टैचू, कहां पे? हैदराबाद में, और ये इंडिया का टॉलेस्ट स्टैचू होगा ऑफ अंबेडकर।
तो आपसे सवाल, कई बार अभी कहीं ना कहीं काफी कई सारे स्टैचूज जो है वो न्यूज में है, तो इस वजह से इनके ऊपर भी सवाल हो सकता है कि अंबेडकर जी का सबसे ऊंचा जो प्रतिमा है वो भारत के किस शहर में है, तो हैदराबाद में है। और ये आप देखोगे तो 98 इयर्स के ओल्ड राममोहन जी सूतर जो है वो इस स्टैचू के स्कल्पटर भी हैं, जो कि पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया गया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आप देख रहे हो 98 इयर्स। यहाँ हम मतलब यंग एज में भी होते हैं तो कई सारे चैलेंजेस हमें एग्जिस्ट जब करने लगते हैं लाइफ में, तो हम अपने आप को एक फेलियर मानने लग जाते हैं या हम कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। और ये 98 इयर्स की उम्र में भी, लगभग सेंचुरी के उम्र में भी, जहां अमूमन देखते हैं कि उस एज तक लोग फिजिकली और मेंटली वीक पड़ने लग जाते हैं, उस उम्र में भी इन्होंने मतलब वो भारत का टॉप मोस्ट वैसा काम कर रहे हैं। तो ये आप इनसे एक मोटिवेशन भी ले सकते हैं कि लाइफ में कुछ उसी तरीके से करना है कि हर वक्त अपने आप को उस लेवल पे ले जाकर के रखना है। जैसे यहाँ हम करंट अफेयर्स के जो वीडियोस ला रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं व्यूअर्स रिटेंशन भी उस तरीके से नहीं मिल रहा है। आप लोग अगर सिंसियरली एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और अगर नॉलेज के लिए जानना चाहते हो, तो आप डेली बेसिस पे देखोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन देखोगे तो आपका पूरा वीक का कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आपको वैसा लगता है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। बट एनीवेज, ये कंटेंट आप सबके लिए ही है, तो इसको आप रिलेट करके थोड़ा सा पढ़ते रहिए। बाबा साहब की बात कर लेते हैं, तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, और इनको माना गया है कि ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं देश में, और इनका ओरिजिनल नाम जो है वो अंबा वादेकर भी है, जो कि कहीं ना कहीं इनके नेटिव विलेज अंबा वादे से निकल के आता है। और 2 महीने से भी कम इनका जब मृत्यु होने से पहले ये जो है बाबा साहेब वो अपना धर्म जो है वो परिवर्तन करा लेते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है। और बाद में उनका मृत्यु हो जाता है 1956 में दिल्ली में। इसके अलावा आप देखोगे तो इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी है भारतीय संविधान के, ठीक है। और इसके अलावा ये चेयरमैन भी रह चुके हैं ड्राफ्टिंग कमिटी के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था भारत के संविधान को रचने में। इसके अलावा ये पहले भारतीय हैं जिनको पीएचडी डॉक्टोरेट की डिग्री मिली थी इकोनॉमिक्स से विदेश से, ठीक है। इसके अलावा ये पहले मिनिस्टर भी रहे हैं लॉ एंड जस्टिस के, तो कई सारा फर्स्ट जो है वो डॉक्टर बीआर अंबेडकर से आपको देखने को मिल जाएगा। और इनको क्रेडिट भी दिया गया है कि इन्होंने अशोक चक्र का इस्तेमाल जो है वो पहली बार भारतीय तिरंगे में किया था, तो ये क्रेडिट भी डॉक्टर बीआर अंबेडकर को ही जाता है। ऑल्दो जो नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन किसने किया था, तो पिंगाली वेंकैया, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो इंसान है जिन्होंने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, तो तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया था, ठीक है, लंदन में ये कराया गया था। इसके अलावा आप देखोगे वैसे सेकंड राउंड टेबल मतलब जो कॉन्फ्रेंस था उसमें INC जो है वो ऑफिशियली था, इसके अलावा फर्स्ट और थर्ड में नहीं था, लेकिन बाबा साहब तीनों में थे। इसके अलावा 1932 में गांधी जी ने प्रोटेस्ट भी किया था कम्युनल अवार्ड का, जो कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता था, तो उसको लेकर के भी मतलब यहाँ पे आप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पूना पैक्ट भी आता है जहाँ पे गांधी जी जो है वो अपना फास्ट को एंड करते हैं और बाबा साहब जो है वो ड्रॉप कर देते हैं डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट का। इसके अलावा आप देखोगे तो कई सारे सीट्स जो है वो रिजर्व किए गए डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। और इसके साथ साथ हम देखेंगे तो 1990 से 1991 पूरा एक साल 14 अप्रैल 1991 को माना गया ईयर ऑफ सोशल जस्टिस उनके याद में, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। बहुत कम ऐसा फैक्ट किसी को पता होगा, तो आप इस तरीके से भी थोड़ा सा पढ़ते रहिए। और अंबेडकर जी का पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इसके अलावा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो बहिष्कृत हितकरणी सभा और समता सैनिक दल, ठीक है। तो बहिष्कृत हितकरणी सभा ये कॉमन है, सवाल कई बार पूछा भी जाता है कौन कौन सा इनको अवार्ड या सम्मान दिया गया, तो बोधिसत्वा, भारत रत्न से भी नवाजे गए थे 1990 में, और ये फर्स्ट कोलंबियन भी रहे हैं अहेड ऑफ देयर टाइम, और ये ग्रेटेस्ट इंडियन भी रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनके कुछ फेमस बुक्स का, तो पहला है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इसका ओरिजिन और सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है और हम समझेंगे कि ये तो लॉ से जुड़े थे तो ये इकोनॉमी में कहां से आएंगे, लेकिन ये किताब इन्होंने ही लिखी है। इसके अलावा द अनटचेबल्स, तो ये तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि उन्हीं के खिलाफ इनकी लड़ाई थी। हु आर दे एंड व्हाई दे हैव बीइंग अनटचेबल्स, बुद्ध एंड हिज धम्मा, और बाकी आप देख सकते हो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब ये सब तो ठीक है, लेकिन पहला वाला आप द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी को याद रखिएगा। और इसके अलावा दलित के राइट्स के लिए इन्होंने 5 पीरियोडिकल्स भी लिखा है जिसपे सवाल आता है, मूक नायक तो ये इन्हीं का है। इसके अलावा बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत, ये सारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ही है। नेक्स्ट है पुठांडू, तो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने अटेंड किया तमिल न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को, और इसको पुठांडू कहते हैं। पुठांडू जो है बेसिकली ये तमिल का नया साल है, जैसे हम बेसिकली वेस्ट बंगाल में जो हम सेलिब्रेट करते हैं कि पोइला बोईशाख, तो वो जो है वो न्यू ईयर वेस्ट बंगाल के लिए है, तो वैसे पुठांडू जो है वो
आप देखोगे तमिलनाडु का होता है, फर्स्ट डे ऑफ द तमिल कैलेंडर और द फर्स्ट डे ऑफ द चिट्ठीराई मंथ। और ये बेसिकली राज्य तमिलनाडु से आप याद रखिएगा, इसमें एक स्पेशल डिश बनाया जाता है मंगई पछाड़ी वगैरह, स्वीट सार बिटर और स्पाइसी टेस्ट के साथ में। तो ये सारा खैर आप देख सकते हो, और इसको विशु इन केरल भी कहा जाता है, बैशाखी अलग अलग राज्यों में भी कहा जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज कंबम ग्रेप्स। तो रिसेंटली तमिलनाडु के कंबम ग्रेप्स को जीआई टैग दिया गया है। कई सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपना एक शॉर्ट्स भी दिया है जीआई टैग से रिलेटेड, आप उसको जाकर के देखिएगा। तो अभी इस बीच कई सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया, जैसे मर्चा राइस बिहार का, वाराणसी पान को दिया गया है, वाराणसी लंगड़ा आम को दिया गया है। तो इसी तरीके से कंबम ग्रेप्स जो है तमिलनाडु का, लद्दाख का वुड कार्विंग हो चुका है, बासोली पेंटिंग हो चुका है जम्मू कश्मीर का। तो कई सारे जीआई गुड्स वाले प्रोडक्ट अभी हैं, तो सवाल एग्जाम में अपकमिंग में जरूर होंगे। तो ये कंबम ग्रेप्स जो है वो तमिलनाडु से, याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट्स में। और इनको ग्रेप्स सिटी ऑफ साउथ इंडिया भी तमिलनाडु को कहा जाता है, ग्रेप्स सिटी ऑफ साउथ इंडिया तमिलनाडु। और ये बेसिकली आप देखोगे तो थेक्काडी हिल्स, वारू सनादू हिल्स और कोडाई कनाल हिल्स में लोकेटेड है। इसके अलावा थेनी डिस्ट्रिक्ट जो कि अपने आप में हाईएस्ट ग्रेप प्रोड्यूसिंग लोकेशन भी है, और इसी के साथ साथ में 85 ग्रेप जो है परसेंट वो तमिलनाडु में यही आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ में ये आपको देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेंच मॉन्क के द्वारा। ग्रेप्स जो है वो विटामिन्स में रिच होता है, टार्टेरिक एसिड में और एंटीऑक्सीडेंट्स में, ठीक है। इसके अलावा ये पर्पलिश ब्राउन कलर के होते हैं और एक्सेप्शनल टेस्ट होता है। इसका इस्तेमाल वाइन बनाने में किया जाता है, और इसके साथ साथ जैम में, जूस में और रेजिन्स, ठीक है। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था फॉर 17th of April, और आई होप कि आपको यहाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है वो जानने को मिले होंगे। और अगर आपको वीडियो से जरा भी नॉलेज मिलता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि ये इन्फो हम और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।